झारखंड के देवघर के पास जसडी रेलवे जंक्शन पे, और आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ कांवरियों के लिए पूरी तरह सज चुका है। और अभी अंदर आपको दिखाएंगे कांवरियों के लिए पूरी तरह यह जसडी रेलवे जंक्शन पूरी तरह तैयार है। आप देख पा रहे हैं सारा यहाँ बांसों बल्लियों द्वारा पूरा घेर कर तैयार है, और अंदर आपको दिखाते हैं झारखंड का जसडी रेलवे जंक्शन, जहाँ से भक्तगढ़ बाबा देवघर के लिए जाते हैं, वही रेलवे जंक्शन है। और यहाँ पे भक्तों की भीड़ काफ़ी होती है, इसलिए इस रेलवे जंक्शन को के बाहर पूरी तरह सजाया जा रहा है ताकि भक्तों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और देख पा रहे हैं पूरा कपड़ों से ये मंडी तैयार हो रही है, काफ़ी आकर्षक लग रही है। हाँ, बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है, देख पा रहे हैं वहाँ पे पूरी तरह लोकेशन पूरी तरह तैयार हो रहा है वहाँ पे भक्तों के लिए, ताकि आने के बाद इस जगह पे जो बांस बल्लियाँ आपको दिखाई दे रही है सीधे यहाँ पे उनके जो कवरिया होता है उसको टांगने की जगह है, और पूरा वहाँ तक छोड़ गया है, वहाँ तक इस व्यवस्था को बनाया जा रहा है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाले समय में सावन के महीने में भक्तों के लिए पूरी तरह यह तैयार है। पड़ाव जो रेलवे जंक्शन है, यहाँ पे जितने भी शिव भक्त कांवरियों के लिए पूरी तरह यह बन के बहुत तेज़ी से काम तैयार हो रहा है, और अंतिम रूप चल रहा है यहाँ पर। यहाँ का जो सजने वाला है यमपुरी की अंतिम रूप है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भक्तगण आते हैं सुल्तानपुर से और भी पूरे देश से, यहाँ बाबा बैजनाथ धाम में जल अर्पित करने के लिए आते हैं, और अधिकतर सुल्तानगंज से जो जल उठाते हैं सीधे यहाँ पे आते हैं, इस रेलवे जंक्शन से होकर ही जाते हैं। यहाँ उनके आराम के लिए काफ़ी कुछ बना हुआ है, और पूरी तरह यह मंडप सज रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इसके, और अंतिम रूप सज रहा है, और आप देख पा रहे होंगे। और मौसम भी आज यहाँ का बहुत ही प्यारा है, और इसके सामने आपको स्नानागिरी और सारा वाशरूम की भी सुविधा मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। तो भक्तगणों के लिए बहुत ही विशेष सुविधा यहाँ पे हो रही है।